तो आपके लिए लेके आते हैं हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये मैच, इसका ध्यान नहीं देना बिल्कुल तुम लोगों को। सन 2022 का ये मैच है और दोनों टीमों के मैं कैप्टनों को बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। हाँ तो आरंभ करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का यह मैच। पाकिस्तान का ढेर रोमांचक मैच बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं इस मैच को, तो देखते हैं इस मैच में कौन जीतता है टॉस। देखिए तो आपको क्या लेंगे? हम लेना चाहते हैं मूर्त। एक क्या है मूर्त? अरे जाहिल है साले ये एम्पायर साहब, मूर्त यानी हेड। अच्छा तो आपका इस मतलब टेल है? हाँ हम टेल लेंगे। तो हम आप टॉस करना चाहते हैं। टेल आया यानी मारना इस टॉस को, मार टॉस होगी। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो? ये दोबारा होगा टॉस होगा। अरे कहाँ जा रहा हूँ? अरे टॉस होगा, अरे टॉस होगा भाई साहब। दोबारा उछालते हैं टॉस को। अरे दोबारा क्यों होगा टॉस? अरे दोबारा हो जाने दे। अरे ना दोबारा ना होगा, तू अपना आदमी है, हो जाने दे दोबारा टॉस। तो फिर करा लो। या अल्लाह हेड आ गया। मैं नहीं मानूंगा टॉस को, टॉस होगी दोबारा। अरे टॉस नहीं होगी अब दोबारा। अब मैं बताऊंगा कौन खेलेगा। तो भाई साहब इंडिया टॉस जीत चुकी है। धन्यवाद धन्यवाद। जा रहा ना, जा रहा है यहाँ से। चल नहीं टॉस होगी दोबारा? नहीं होगी टॉस अब। हाँ तो जिस पल का हमें था इंतजार वो पल आ चुका है और इंडिया जीत चुकी है टॉस। और दर्शकों में बहुत ही भारी उत्साह है, देख करो दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम। देख लो जल्दी चालू मैच कर लो, मेरे से ही बैठा रहा यहाँ तो धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा। अबे कर ले जल्दी यार, जल्दी कर लो यार, कर लो स्टार्ट। हाँ तो इंडिया ने टॉस जीतकर किया है बॉलिंग का फैसला। और इसी बात पर मैं एक फिर कहना चाहूंगा कि धूप बहुत पड़ रही है, अब कुछ नहीं कहना चाहूंगा। देखिए मैच तो आ रहे हैं पाकिस्तान के ओपनर खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद चिंगारी। पता नहीं किस किस ने मारी। हमारी टीम पे इतनी गरीब आई है, सालों ने एक एक पेड़ जूते भी नहीं दिए हमको खेलने के लिए यार। तो इंडिया की तरफ से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अरे चहल है, चहल इंडिया की तरफ से बॉलिंग करने लाए हैं और पहले से काफी कमजोर लग रहे हैं। मुझे लगता है हाथ रस जाने लगे हैं। ठीक है तो देखते हैं इनकी बॉलिंग। ओवर की फर्स्ट बॉल स्टार्ट करते हैं। तो आइए मैच शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले ओवर की पहली बॉल युजवेंद्र चहल के साथ। दूसरी बॉल पर पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी एक्सप्रेस बना रहे हैं। एक बॉल हो चुकी है, एक रन नहीं है। देखते हैं अगली बॉल पर क्या होने वाला है। छक्का और ये युजवेंद्र चहल की दूसरी बॉल। दूसरी बॉल पे देखते हैं क्या होता है। और ये क्या छक्का मार दिया है एम्पायर को धक्का मारते हुए। और ये फिर से चौका मार दिया है। चौका चौका चौका, एम्पायर पागल होते हुए दिख रहे हैं। बॉलर की गांड घबराती हुई। और ये क्या है, एम्पायर ने अड़ाई टांग, बॉलर की फटकी गांड। अरे देखिए ऑलरेडी खत्म खत्म हो चुके हैं। आओ जाओ उठा के ले जाओ उनको, उठाओ उठाओ। और ये इंडिया के नए बॉलर आते हुए यहाँ पर चिंगारी गांड घुमा घुमा कर पेल रहे हैं। और ये चौका आते हुए रुक गया। चक्का लग रहा है लेकिन ये क्या, और ये कीपर आउट आउट है। तो आपने यहाँ पर चक्का मारने का प्रयास किया था, आप किस खेल में चाहेंगे चक्के बारे में, आप कैसे आउट हुए? दो बॉल है भाई, नो बॉल बता रहे हैं। और ये एम्पायर गुस्से में आते हुए और ये क्या करते हैं देखते हैं, चिंगारी के मारा है रैप्टा घुटनों पे लिटा दिए। तो पाकिस्तान के नए खिलाड़ी अरमान आ चुके हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इनकी राय कि इस मैच में इनकी राय क्या है, कि इस मैच को जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे। हाँ तो अरमान आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिमाग बहुत खराब है। चल और ये इंडिया के बॉलर अरमान को बॉल कराते हुए और ये उछल उछल के पता नहीं किस तरीके से मार रहे हैं, जिस कदर मार रहे हैं माशाल्लाह क्या मार रहे हैं। और ये अरमान ने दी स्ट्राइक, स्ट्राइक पर हैं बाबर आजम। बाबर आजम ने जड़ दिया छक्का, लाजवाब छक्का छक्का। बाबर आजम ने किया हिट और ये क्या सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा। और स्ट्राइक पर आ चुके हैं अरमान, अरमान ने आते ही आते छक्का मारा। और ये अरमान आगे बढ़ के मारने की कोशिश करते हुए और देखते हैं बॉल आ चुकी है पीछे कीपर के हाथों में। और कुछ लेने देने की बात चालू हो चुकी है, अरमान मना कर रहे हैं, कीपर कर रहे हैं हाँ ले लो, लेकिन ये नहीं मान रहे। और कीपर ने फिर भी दे दिया है। सालो ने मुझे एक बॉल भी नहीं खेलने दी। सालो बैठे बैठे यहाँ पे बाबा सीर हो गया, मुझे गर्व है, मेरी टीम 121 रन बना के ऑल आउट हो गई। तो
जैसा कि आपको पता है कि अरमान के साथ पाकिस्तान ने हमारा लास्ट स्कोर 121 दिया है, तो देखते हैं इस मैच को इंडिया जीत पाती है नहीं जीत पाती है। तो 121 रन के इस महा स्कोर पर, मुझे लगता है महा स्कोर ही है वैसे शायद इंडिया के लिए, तो कमेंट्री खत्म कर ले, इंडिया वाले देख रहे हैं वो ही खत्म। आ जाओ हाँ, तो इंडिया के ये दो महान खिलाड़ी आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं, लगता है नागमंडी आज लेके ही जाएंगे। और देखते हैं इन जो दो खिलाड़ी क्या करते हैं इस मैच में, अल्लाह कुछ इस प्रकार घुमा रहे हैं, लगता है पूरे मैच में बल्ले ही घुमाते रह जाएंगे जी, कुछ नहीं उखड़ेगा इन पर। तो रोहित भाई आज इतना टर्रा खेलूंगा मैं, इतना टर्रा खेलूंगा जैसे मेरा बल्ला चलेगा, वाह पूरे इस पे ग्राउंड पे धुआं धुआं कर दूंगा, धुआं धुआं आग लगा दोगे क्या? हाँ आज ही समझ लो, पेट्रोल ले आना आप बस, बस एक लीटर ले आना, 121 बनाने थे ना, 221 रन बनाऊंगा आपको, बैट हाथ में नहीं लेने दूंगा। क्या बात है, इंडिया आज तू ही जिता के जाएगा मुझे मैच, मुझे तुझ पे गर्व है। बस बस कंट्रोल, ये तो जाना हो रहा है, पहली बॉल में ऐसा छक्का मारूंगा, ऐसा हिट मारूंगा, तुम सब देखते रह जाओगे। ये जितांगी मैच हमें, अभी साले आते समय कह रहा था रोहित भाई मैं जिता दूंगा, मैं जिता दूंगा, 121 के 221 बना रहा था, पहली बॉल भी नहीं खेल पाया, आउट हो गया, तीनों विकेट एक साथ हवा में उड़ गई, और साले फ्री बॉल में चुम्बी उड़ लेगा मेरी साले। रोहित भाई सॉरी सॉरी सॉरी। और ये इंडिया के नए बैट्समैन सूर्य कुमार यादव बड़ी ही ज्यादा फॉर्म में लग रहे हैं, लगता है कुछ करके दिखाएंगे। भाई यहां तू आवे, आ रहा हूं रोहित भाई, आ रहा हूं, आ गया रोहित भाई, जावे ये बता खेल लेगा ना खेल लेगा, तू भी इसकी तरह ड्रामे करेगा। ए रोहित भाई चिंता मत करो, ऐसा खेलूंगा कभी तक खेला नहीं हूँ मैं आज तक, मतलब डरा लिया है, सहानुभूति दे रही है मुझे, आपको जैसा ठीक लगे लेकिन मैं ऐसा खेलूंगा आपको मुझ पे गर्व होगा। चल तो तुझे मैं पहले ओपनिंग पे भेज रहा हूँ, जा ठीक है भाई, देखो अब मेरा खेल। और ये खिलाड़ी बड़े ही जोश में लग रहे हैं, सूर्य कुमार यादव पहली ओवर की दूसरी बॉल, और ये सूर्य कुमार यादव खेलते हुए, और ये पाकिस्तान के बॉलर पहली बॉल कराते हुए अपनी, और ये शानदार चौका 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 चौका, और ये पर एक और छक्का, लगता शुगर सा भर देंगे, और यहाँ ये क्या इनका ही शुगर भर गया, आउट है ये खेलेंगे, चलो कुछ तो खेल के गए, लगता है ये मैच जीतने के लिए हार्दिक पांड्या को उतारना ही पड़ेगा, उसी को उतारना पड़ेगा, चलो ठीक है। और ये इंडिया के जाने माने बैट्समैन हार्दिक पांडे की एंट्री हो चुकी है, और बहुत ही फॉर्म में लग रहे हैं ये, लगता है शुगर सवर के जाएंगे पाकिस्तान का। और ये एम्पायर बॉलर को धमकाते हुए, साले ढंग से कराइए बॉल, और ये पाकिस्तान अपनी दूसरी बॉल फेंकते हुए, और ये शानदार छक्का छक्का, और ये पाकिस्तान तीसरी बॉल गिरते हुए, और यहाँ पर एक और छक्का, छक्के पर छक्के मारते जा रहे हैं, उठा उठा के मार रहे हैं। 19 ओवर की समाप्ति के बाद लास्ट ओवर, और हार्दिक पांड्या ने बड़ा ही खतरनाक खिलाया यहाँ पर, और ये रोहित शर्मा लास्ट ओवर की पहली बॉल, यहाँ पर रोहित शर्मा कुछ करके दिखाएंगे, और ये क्या शानदार छक्का, और ये सिंगल से संतुष्ट किया खिलाड़ी को, और यहाँ पर रोहित शर्मा सिंगल चुरा लिया है, लगता है पैदाइश ही चोर रहे हैं ये खिलाड़ी, पांच बॉल फेंकते हुए, और जिस शानदार चौका जड़ दिया है, और इस मैच की लास्ट बॉल, और लास्ट ओवर चाहिए 5 रन, हार्दिक पांड्या है क्रीज पर, लगता है कुछ करके दिखाएंगे ये, और ये हवा में बॉल, और ये क्या शानदार छक्का छक्का, एम्पायर हम जीत गए, सलाला भोसड़ी के। हाँ तो इसका तो पता चला है कि इंडिया जीत चुकी है, और हम पाकिस्तान खिलाड़ियों से पूछना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें पूछना पड़ेगा जबरदस्ती कि इंडिया वो हारने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। तो आप इंडिया से आ चुके हैं, आप बताना चाहेंगे आप इंडिया से हारने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अरे चला आ जाते हैं, और देखिए बहुत ही गुस्सा है, इतना इनकी नाक पर है, लगता है बहुत ही बुरी तरह से आ रहे हैं इंडिया से। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ये आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले, और सब्सक्राइब कर देना फटाफट से। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।